यहाँ पर मैंने लिया है मूंग की दाल, जो खड़ी मूंग की दाल है उसकी मैं आज सब्जी बनाऊंगी। इसे मैंने रात भर भिगो लिया था। आप अपने फैमिली के अकॉर्डिंग मूंग की दाल ले लीजिएगा। ये देखिए कितने बड़े बड़े दाने ये अच्छे से भीग चुके हैं। तो फिर चलते हैं। सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय चैनल विद अनुलेखा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँ। तो मैंने यहाँ पर लिया एक कुकर और उसमें मैंने ऑयल ऐड कर दिया है और इस ऑयल में मैं डालूँगी दालचीनी। ये देखिए ऑयल मेरा गर्म हो गया है। अब यहाँ दो तेज पत्ते डाल दूँगी, दो खड़ी लाल मिर्च मैंने डाल दी है और इसे मैं अच्छे से भूज लूँगी। ये देखिए ये हो चुका है मेरा। अब मैं इसमें डाल दूँगी एक चम्मच जीरा। ये मैंने एक चम्मच जीरा लिया है और ये अब मैंने देखिए कितने अच्छे से पटकने लगे हैं, मीन्स ये हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी दो बड़े कटे हुए प्याज। मैंने बारीक चॉप्ड किए हुए प्याज ले लिए थे, अब मैं उसे डाल दूँगी। ये देखिए ऐसे आप प्याज डाल के अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिएगा। अच्छे से आपको प्याज को भूनना है। अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी हमारी दो बारीक कटी हुई हरी मिर्च। ये दो बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऑप्शनल है, अगर है तो डालिए, अदरवाइज हमने लाल मिर्च डालने हैं और पिसी लाल मिर्च भी डालनी है। और दो खड़ी लाल मिर्च हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। तो ये देखिए प्याज का कलर आने लगा है दोस्तों। ये देखिए ये हल्का हल्का ब्राउन हो गया हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी हमारे चॉप्ड किए हुए जो मैंने बारीक काट के रखे थे टमाटर। अब मैंने यहाँ पर टमाटर आप अपने हिसाब से लीजिएगा। यहाँ पर मैंने चार बड़े टमाटर चॉप्ड करे हैं। टमाटर अच्छा होता है, लगता है सब्ज़ी में, थोड़ा थोड़ा खट्टापन रहना चाहिए। ये देखिए, और टमाटर अगर कम है आपके पास तो आप इसमें नींबू निचोड़ लीजिएगा लास्ट में जब सब्ज़ी बन जाती है। ये देखिए टमाटर अब पकना स्टार्ट हो रहा है। दोस्तों ये मूंग की दाल की सब्ज़ी हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती है। ये डाइजेस्ट के लिए बहुत अच्छी होती है, बीपी को लो करती है। और इसमें मैंने दो एक बड़ा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। इसे मैंने कूटा है, आप चाहे तो इसे आप पेस्ट भी बना सकते हैं। इसे मैंने मान दस्ताने में कूट के डाला है और इसे भी मैं अच्छे से भूज लूँगी। अब मैं इसमें डाल दूँगी हल्दी पाउडर और नमक और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। ये देखिए अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी धनिया पाउडर। दो बड़े चम्मच मैंने धनिया पाउडर ले लिए हैं और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी लाल कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी दो लाल मिर्च मैंने दो बड़े चम्मच ले लिए हैं। ये देखिए इससे कलर बहुत अच्छा आता है और हल्का सा तीखा होता है ये, क्योंकि मैंने ऑलरेडी लाल मिर्च हरी मिर्च ली है तो इसलिए मैंने लाल कश्मीरी मिर्च और ऐड करा है इसमें, ताकि कलर भी आ जाए, हल्का सा तीखापन भी रहे। ये देखिए अब मैं इसे दो मिनट के लिए ढक दूँगी और ये देखिए मैं दो तीन मिनट के बाद ये मैंने हटाया। ये देखिए तेल छोड़ दिया है मसाले ने, मीन्स ये पक चुका है। ये देखिए, ये देखिए टमाटर भी गल गए हैं पूरे। ये देखिए अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी हमारे भिगे हुए मूंग दाल जो मैंने भिगो के सोक करके रखे थे वाटर में, अब उसे हम ऐड कर देंगे। ये देखिए अच्छे से आप पूरा ऐड कर दीजिएगा दाल। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, पूरे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए आपको ऐसे मिक्स करने हैं। ये देखिए अच्छे से आपको लगातार चलाते रहना है, अच्छे से मिक्स करना है कि पूरे मसाले हमारे दाल पे मिक्स हो जाएं।
अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी हमारे गरम मसाले। यहाँ पर मैंने चिकन मसाला लिया है, आप चाहें तो सिंपल मसाला भी ले सकते हैं। दोस्तों ये मैं सोचिएगा कि हम वेजिटेरियन हैं तो हम चिकन मसाला नहीं ले सकते हैं, कोई बात नहीं, चिकन मसाले में कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं जो हम वेजिटेरियन वाले ना खा सकें, वो सिंपल स्पाइसेस ही हैं इसमें। आप सिंपल गरम मसाला भी ले सकते हैं, चिकन मसाले से इसमें स्वाद बहुत अच्छा आता है। मैं 2 मिनट इसे ढक के पका लूँगी। ये देखिए अच्छे से आप इसे 2 मिनट पका लीजिएगा। ये देखिए ये अब अच्छे से सोख हो गया है मसाला इसमें पूरा। और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी हमारे पानी, वाटर और पानी। पानी आपको इतना ऐड करना है जितना आपकी फैमिली के अकॉर्डिंग आपको कितना इसमें रस चाहिए, रसा चाहिए है, तो आप उतना इसमें ऐड करिएगा। ये देखिए मैंने ऐड कर दिया है पानी। अब इसे अच्छे से चला के और अभी इसमें मैं ऐड करूँगी हमारे चॉप्ड किए हुए हरी धनिया। ये देखिए ये हरा धनिया मैंने चॉप्ड करके रखा था, बारीक काट के उसे ऐड कर दिया है। और अब मैं इसमें लगा दूँगी ढक्कन। ये देखो ये ढक्कन लगा दिया मैंने और इसमें सिर्फ 2 सीटी देना है दोस्तों, अदरवाइज ये तो बहुत गल जाएगा। ये 2 सीटी के बाद ये देखिए कितना सुंदर कलर आ गया है, दाल अच्छे से पक चुकी है हमारी। अब मैं इसे एक बर्तन पे निकाल लूँगी। ये देखिए ये मैंने एक बर्तन पे इसे निकालना है और ये मेरी दाल यहाँ पर रेडी है। आप भी ज़रूर बनाइएगा और बना के कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कैसी लगी।